मैंने तो धीरे से नींदों के धारे। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी अपने स्टार्टिंग में देखा तो दोस्तों इस तरह की स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो फ्रेंड्स मैं इसी का ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ उसे मैंने मेरे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, देन आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस वीडियो को देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस हर बार मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपकी हर बार हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फोन के स्क्रीन पर चलते हैं, एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए करते हैं एडिटिंग स्टार्ट। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैनवास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, देन यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने बाद यहाँ पे सोलह नौ का एस सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन टैप कर लीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सामने डाउनलोड में चले जाना। ये वाला वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद स्टार्टिंग में ये राइट क्लिक कीजिए, लेयर्स का ऑप्शन टैप करके मीडियम देगा। ऑप्शन मीडियम देने के बाद यहाँ पे दो ठो इमेज आपको सेलेक्ट करना है, तो एक गर्ल एक बॉय का कर सकते। तो मैंने यहाँ पर राधा कृष्ण का इमेज का यूज़ किया था, तो मैं यहाँ से एक ठो फर्स्ट कृष्ण का इमेज ले लेता हूँ, देन इसे इस साइड में स्क्रॉल कर ले। आप गर्ल बॉय का भी इमेज यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब इसे इस तरह से हल्का सा जूम कर लीजिए, यहाँ पे इसे सेट कीजिए कुछ इस तरह से। फिर इसी का एक तो डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट वाले को इस साइड में स्क्रॉल कर लीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद आप डाउनलोड में मतलब जहाँ पे भी आपका इमेज हो वहाँ पे जाकर दूसरा इमेज ले लीजिएगा, जो भी इमेज लेना चाहते हैं। इसे आपको एडजस्ट कर लेना है, तो हल्का सा मैं इसे छोटा करता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा और छोटा करना होगा। और यहाँ पर ये सही है, अब यहाँ पर फ्लिप वाले ऑप्शन की मदद से इसे रोटेट करते हैं, मैं दूसरे साइड में इसे रोटेट कर रहा हूँ। आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, जैसे भी रखना चाहे। तो मैं इसे यहाँ पर रख लिया हूँ। अब इसके स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर्स का ऑप्शन टैप करके मीडियम में चले जाएंगे। ऑफेंस मीडियम देने के बाद डाउनलोड में आपको जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर ट्री वाला जो इमेज मैंने दिया उसे ट्री को सेलेक्ट कीजिएगा, इसे इस तरह से जूम कीजिएगा। जूम करने के बाद आपको इतना जूम करना है कि इस तरह से आप परफेक्ट इसे एडजस्ट कर सके। इस तरह से यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा कि इस तरह से एडजस्ट हो जाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके लेंथ को लेकर आपको लास्ट तक कर देना है, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। करने के बाद एकदम बराबर से इसे रख लीजिएगा, और फ्रेंड्स जितना टाइम का लैडिक्स का होगा उतना ही टाइम का आप स्टेटस बनाइएगा, और एक्स्ट्रा जो होगा उसे कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 30 सेकेंड का बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो लैडिक्स भी हमें 30 सेकेंड का ही यूज करना होगा। अब यहाँ पे ट्री वाले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन है, इस पर टैप करके यहाँ पे प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद इसे स्क्रॉल करके इस साइड में और पूरी तरह से गायब कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और प्ले करके देख लीजिए नीचे कहीं पे कट तो नहीं रहे, अभी काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट है। अब यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इसका डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट वाला यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा, मिनिमम आप इसे 10 सेकेंड पर रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस साइड से स्क्रॉल करके आपको 10 सेकेंड पर यहाँ पर लेकर आ जाना है, परफेक्टली थोड़ा सा और जाएगा, थोड़ा और ये रहा। अब इसके फर्स्ट की पे आइएगा, फर्स्ट की पे आने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। तो अभी ये प्ले होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे जाएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर से इस ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट वाले को स्क्रॉल करके इस तरह से इतना पर रख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट की आप देख सकते हैं इस पर आइएगा, और इसे स्लाइड करके इस तरह से इस साइड में पूरी तरह से कर दीजिएगा। फिर दूसरी साइड में जाइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों से हाथ में यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका काम हो चुका है। अब आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर राइट क्लिक करना है, स्टार्टिंग में लेयर्स का ऑप्शन टैप करके मीडियम जाना है। और फ्रेंड्स आपको उसमें डाउनलोड में चले जाना है, ग्रास वाला इमेज को सिलेक्ट करना है, और इसे इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। इस साइड में आपको इतना पे इसे रख लेना है, जैसे आप देख सकते हैं। देन इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में आइएगा, और डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर टैप करके यहाँ पर प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद इसे दूसरी साइड में स्लाइड कर लीजिएगा, जो ट्री आप स्लाइड किए थे उसके विपरीत दिशा में इसे स्लाइड कीजिए, उल्टा दिशा में, जैसे यहाँ पे दिखते हैं इस तरह से मैंने कर दिया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको स्टार्टिंग में देना, राइट क्लिक करना, लेयर्स का ऑप्शन टैप करना, मीडियम देना, ऑफेंस मीडियम देने के बाद एक ठो बर्ड वाला पीएनजी मैंने आपको दिया था उसे ले लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे दो ठो बर्ड का पीएनजी मैंने दिया, एक जीफ वाला है, मतलब ये प्ले होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे देख सकते फ्लाई करता हुआ, तो ये थोड़ा फास्ट फ्लाई करता है। आपको ये सही लगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपल वाला बर्ड है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट मैंने इसे लिया, इसे लेने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके लेंथ को आपको स्क्रॉल करके और मिनिमम इसे आपको 8 सेकंड तक रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 7-8 सेकंड आप रख लीजिएगा। फिर इसके बाद इसे इस तरह से छोटा कीजिएगा और यहाँ पे नीचे रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर डिलीट बटन के ऊपर की का जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे एक प्लस लगाइएगा। प्लस लगाने के बाद इसे आपको स्लाइड करके इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना, पूरी तरह से ऊपर कर दीजिएगा कि यहाँ पर दिखाई ना दे। तो यहाँ पर देख दे इस तरह से फ्लाई होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अब
फर्स्ट की पे आइएगा और फ्रेंड्स इसे स्लाइड करके नीचे की तरफ इस तरह से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगाता हूँ थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स इसे आप नीचे की तरफ स्लाइड कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। अभी आप क्या कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, इसका डुप्लीकेट कीजिएगा। डुप्लीकेट वाले को आपको इस तरह से स्लाइड करना है, इसे थोड़ा सा फिंगर की मदद से जूम आउट करते हैं और इसे स्लाइड करके दूसरे साइड में, ओह सॉरी ये तो पूरा लास्ट में आ गया, इसे थोड़ा सा आगे करना है यहाँ पे, बस थोड़ा सा आगे करेंगे थोड़ा और, इसे मैं इस साइड में लेकर आता हूँ और यहाँ पे ठीक है, तो इतना गैप दे दीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको इसका एक तो डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट वाले को फिर से स्लाइड कीजिएगा इस साइड में और थोड़ा आगे आते हैं और इसे लास्ट तक आपको कर लेना है। यहाँ पे इतना पे रखते हैं और ये सही है, इतना ही रहने देते हैं ठीक है यहाँ पे। तो बीच में एक तो गैप हो गया, तो अभी कुछ इस तरह से ये स्लाइड होगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला PNG जो है ये थोड़ा जल्दी चला जा रहा है, तो ये वाला को थोड़ा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ तक रखते हैं ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे से यहाँ पे आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से ये काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में आना है और थोड़ा आगे जाने के बाद लेयर्स पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद आपको डाउनलोड में चले जाना है और सेकेंड वाला बॉर्ड जो था उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद इसके लेंथ को भी स्लाइड कर लीजिएगा आगे तक, अब इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा और एक साइड में कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। करने के बाद डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन है, इस पर टैप कीजिए, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे स्लाइड करके ऊपर की तरफ यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स फर्स्ट वाले की पे आ जाइएगा और इसे स्लाइड करके नीचे कर दीजिएगा इस तरह से। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को करके आगे की तरफ इस तरह से कर लीजिएगा जैसे मैंने कर दिया और यहाँ पे ये वाला आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इसका एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसे लास्ट तक स्लाइड कर लेना है इस तरह से, थोड़ा आगे तक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगा, मैं अभी आपको प्ले करके दिखा दूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में ये आएगा, यहाँ पे एक बॉर्ड नीचे की तरफ से निकला जैसे आप देख सकते हो, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इस साइड से भी एक बॉर्ड निकला और दूसरी साइड में इस तरह से चला गया। अब यहाँ पे लाइक्स वीडियो की जरूरत है, तो आप स्टार्टिंग में ये लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। जो भी लाइरिक्स वीडियो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो उस वीडियो को ले लीजिए, जैसे मैं तब तक के लिए इस वाले वीडियो को ले लिया हूँ। यहाँ पे लाइरिक्स देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, इसे थोड़ा छोटा करेंगे और इस साइड में जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला है, नाइट बैकग्राउंड वाला, तो यहाँ पे आकर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे सेंड टू बैक कर दीजिएगा। अब इसे हल्का से इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। अभी नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग में आपको चले जाना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग में ऑफेंस नीचे स्क्रॉल करके इसे ऐड स्क्रीन कर देना। तो ये व्हाइट वाला यहाँ पे व्हाइट लाइरिक्स आ रहा है, तो ये यहाँ पे रहेगा। अब आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के बाद फिर से आपको ब्लेंडिंग में जाना है यहाँ पे और इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है। ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसे स्लाइड करके दूसरी साइड में लेकर आ जाना है यहाँ पे। और आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ब्लेंडिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करके यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ पे दूसरी साइड में आकर यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली ये कलर फिल्टर का जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर टैप कीजिएगा, यहाँ पे बेसिक पे क्लिक कीजिएगा और इसे B05 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ब्लैक था दो हट गया और लाइटिंग से यहाँ पे जो ब्लैक आ गया। अब थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे आपको सेंड टू बैक कर देना है, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए इसे जहाँ पे भी रखना चाहते हैं ठीक है। अब राइट क्लिक कीजिएगा, हमारी ये स्टेटस जो बनकर तैयार हो जाए, एक का साउंड यहाँ पे आप म्यूट कर दीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए। अब प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको सिंपली इस साइड में एरो देख सकते हैं इस पर टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।